क्या बात है। So guys, तुम लोगों को इस जंगल के बारे में तो पता ही होगा। क्या? आज से 6 साल पुरानी बात है, यहाँ पास में ना तालाब है, उधर दो लोगों ने मिलके एक लड़की का बेरहमी से खून कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके। क्या बात कर रहा है यार। और पता है आज भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। आत्मा? प्लीज बेकार की बातें बंद करो। आरती, ये बेकार की बातें नहीं है, हो सकता है वो आत्मा अभी हमारे आसपास हो, कहीं तुम्हारे पीछे तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, इट्स ऑल नॉनसेंस। नहीं मानना है तो मत मानो। इनफैक्ट पता है, पिछली बार हमारी तरफ कुछ लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए थे जंगल में, अचानक उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई थी। हिम्मत करके कुछ लोगों ने आवाज को फॉलो किया जंगल में, उन्होंने पता है क्या देखा वहाँ पे? क्या देखा? रहने दो, तुम लोग रात में सो नहीं पाओगे, देखो डर लग रहा है तुम्हें। प्लीज यार बता दे, प्लीज बोलना क्या देखा। प्लीज बहुत हो गया, आप बंद करो ये सब। रिलैक्स आरती, पता ना रवि आवाज कहाँ से आ रही थी? उन्होंने एक सफेद लंबे गाउन में पेड़ से लटकी हुई एक लड़की देखी। You mean dead body? अरे जतीन, डेड बॉडी होती तो ठीक होता, आत्मा थी आत्मा, वो भी उस लड़की की। मुंह से खून बह रहा था और हंस रही थी उन चारों लड़कों पर, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस आत्मा ने उन चारों लड़कों को खत्म कर दिया। वाओ सो एक्साइटिंग, मुझे भी देखनी आत्मा। ओए हेलो, वो आत्मा तुझे देखेगी ना तो खुद ही इस जंगल से भाग जाएगी। अरे भाई यार रवि, तेरे पास कुछ और कहानी आया ना तो वो भी सुना दे। हाँ हाँ तो सुन। गाइस, हाँ, सुना। आज ये तुम लोगों को क्या हो गया है, कैसी बातें लेकर बैठ गए हो सब? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आई। अरे कहाँ जा रही हो तुम? बोला ना अभी आई। अकेली जाएगी, आओ साथ। No, I'll manage. You guys continue. Oh, nature's fault. अरे रवि, सुना ना कहानी। सुना सुना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा सुनो आरती, अरे अपनी टॉर्च तो लेके जाओ। हेलो टॉर्च। अच्छा सुनो आरती, हेलो, अरे मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँ या तुम अकेली आ जाओगी? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ओके ओके फाइन फाइन। अच्छा बच्चू, नील सबको डराता है, तुम नील को डराने का प्लान बना रहे हो, अभी देखता हूं। Yeah.
बचाओ रवि, जतिन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आरती, रवि। ये कौन है? पता नहीं, बेहोश है लगता है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। आई होप ये ठीक हो जाए। सच यार, कल रात इनकी हालत देख के मैं तो बहुत डर गया था यार। बहुत सोच के रही। वो बच्चे इस लड़की को यहाँ लेके आए थे। इतनी रात में जंगल में ये बच्चे कर क्या रहे थे? कैंपिंग के लिए गए थे, वहां उन्हें वो लड़की जख्मी हालत में मिली। कोई भी आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है। बस सर पे चोट लगी थी और काफी खून भी बह रहा था। सर, ये वो कपड़े हैं जो उस लड़की ने पहने हुए थे, पूरा खून ही खून। सर, काफी खून बहा है, हो सकता है कि सर के अलावा कहीं और भी चोट लगी। सबसे पहले इस लड़की की डिटेल्स निकालो, कौन है, कहां रहती है, सब कुछ। कम ऑन, टेक इट अप एंड ऑल द बेस्ट। सर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। कैसी है वो, क्या अब उन्हें होश आया? देखिए, काफी ब्लड लॉस हो चुका है जिसकी वजह से अब भी बेहोश है। But don't worry, she will be better. डॉक्टर साहब, विक्टिम के कपड़े हमारे पास हैं, इन पे काफी खून लगा है। सर के अलावा इनमें कोई और चोट लगी? देखिए, गिरने से हाथ पैर पे थोड़ी बहुत चोट तो आई है, पर उनके सर पर या तो बहुत तेजी से कोई चीज गिरी है या मारी गई है, और जिसकी वजह से चोट बहुत गहरी है। क्या पेशेंट बहुत क्रिटिकल है डॉक्टर साहब? वेल, कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है, पर हम कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ये आप में से किसको मिली थी? सर, मैंने उसे सबसे पहले देखा। देखो, ये तो इस हालत में है नहीं कि हमें कुछ बता पाए, तो मैं हमको उस जगह पे लेके जाना हो। श्योर सर। आइए सर, सर इस साइड से आइए। तुम श्योर हो हम सही जा रहे हैं? 100% सर, ये क्रॉस करके हम लोग काफी आगे तक गए थे, यही रास्ता है सर, आइए। चलो सर, आइए। सर, यही वो जगह है जहां कल रात हादसा हुआ था, यही जगह है सर। डिटेल में बताओ क्या हुआ। सर, मैं अपनी फ्रेंड आरती को डराने के लिए यहां पर आया। आरती के जाने के बाद जैसे ही मैं अपने कैंप में जाने लगा, कुछ दूर पे सर मुझे एक लड़की दिखाई दी, मुझे लगा आरती है, मैं उसके पास गया सर, तो मेरी तरफ पलटी, वो खूनने लगभग थी, मैं घबरा गया सर, वो मेरी तरफ बढ़ी सर, मैं पीछे हटा, अचानक मैं ठोकर खा के यहाँ पर गिर गया। उसके बाद सर मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे लगा आज तो मैं गया। ये देखिए सर, उसके खून भी है यहाँ पर। क्या उसके हाथ में कोई हथियार था? हाँ सर, उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। लोहे की रॉड, भयंकर रॉड यहीं कहीं होगी, ढूंढते सर। यही रॉड थी? यस सर। अजीब गरीब केस, ये औरत कहां से आई है, कौन है, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि वो औरत अकेली उस जंगल में क्या कर रही थी। सर, हो सकता है किसी से बच के भाग रही हो अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, शायद तभी इस ड्रेस पर खून है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वही औरत किसी को मार के भागी हो। लेकिन जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिल जाते,
हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर कोई इसे जानता नहीं है, खुद वो होश में नहीं है, तो उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? जैसे ही इसको होश आएगा हॉस्पिटल वाले हमको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। दो मिनट हो गए, आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? सर मैं अभी पता करता हूँ। सर फोरेंसिक रिपोर्ट। थैंक यू। क्या लिखा है इसमें चेक करो। सर इस ड्रेस पर जो खून मिला है वो उस औरत का नहीं है, किसी और का है। क्या मतलब? और रॉड पे? सर रॉड पर खून इसी औरत का है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रेस पर उस औरत का खून नहीं है, कोई और भी जख्मी हुआ है, लेकिन कौन हो सकता है वो? सर हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा होते हुए देखा हो जिसकी वजह से उसके ऊपर हमला हुआ। सर ये भी तो हो सकता है कि खुद इस औरत पर हमला हुआ, अपनी जान बचाकर वो लड़ झगड़ कर वहां से भागी हो, और शायद हमले के दौरान सामने वाले आदमी का खून इसके ड्रेस पर लग गया, या फिर इसी ने उस आदमी को मार दिया जिसने इसके ऊपर हमला किया था और उसका खून लगा हो। जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाते कुछ नहीं कहा जा सकता। ये औरत कौन थी, कहां से आई थी, इसका मकसद क्या था, कुछ नहीं कह सकते। इस केस में अभी बहुत तफ्तीश होना बाकी है। हेलो, होश आ गया है। वेल दैट्स वेरी नाइस, हम आ रहे हैं। जी उस औरत को होश आ गया है, लेट्स होप कि हमें थोड़ी सी और मालूमात हासिल हो। मयंक सर चल। कैसी तबीयत है इनकी डॉक्टर साहब? मच बेटर, अभी ना होश भी आ गया है। आप हमें अपना नाम बताएंगे? आपका घर कहाँ है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सर मुझे लगता है इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से डरी हूँ। देखिए मेरा नाम इंस्पेक्टर गौतम है, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम यहां आपकी मदद के लिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप कल रात में जंगल कैसे पहुंची, क्या कर रही थी आप जंगल में? मैं नहीं जानती, और मैं जंगल में क्यों जाऊंगी, मुझे यहां कौन लेकर आया है? डॉक्टर क्या हुआ है मुझे? मैडम प्लीज 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 स्ट्रेस मत दीजिए, मुझे अपना नाम बताइए। डॉक्टर डॉक्टर मेरा नाम क्या है? डॉक्टर मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई, मुझे यहाँ कौन लेके आया है? डॉक्टर ये कैसा अजीब सा केस, जहाँ कातिल तो हमारे सामने है लेकिन शिकार का कुछ पता नहीं।